करने वाला कुछ होगा तो मैं करूँगी ना, मेरे पास कुछ है ही नहीं है। जाहिर है वो लड़के वाले कुछ तो मांगेंगे ना, ऐसे तो नहीं ना मेरी बेटी स्कूल ले जाएंगे। तेरे माँ बाप मुझे दे गए हैं, आप तो मर गए हैं, मुझे स्यापा डाल गए हैं। अच्छा, तो बहुत मारती थी मुझे, काम भी सब करवाती थी घर के। क्या कहूँ आपको, बहुत मुसीबत से मैंने अपनी बेटी का पेट पाला, लोगों के बर्तन धोए हैं, कभी किसी की बातें सुनी हैं, कभी किसी की बातें सुनी हैं, एक बेटी के सहारे मैं जी रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपके मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, बज़ाहर हमें कुछ छोटी सी तकलीफ़ हो ना तो हमें ये लगता है कि बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है या हमारी ज़िंदगी दुखों से भरी हुई है, लेकिन जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे भी ज़्यादा दुखी हैं, जो एक वक्त का खाना खाने से भी तंग हैं, जो छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए तरस रहे हैं, तो फिर हमें सारी तकलीफ़ें अपनी भूल जाती हैं, फिर अगले बंदे का दुख हमें बहुत बड़ा लगता है। मेरे साथ इस वक्त एक ऐसी बहन मौजूद है जिसके माँ बाप की डेथ बचपन में हो गई थी, बाद में फूफी ने इसको पाला और फूफी ने जायदाद हथियाने के लिए इस बच्ची की छोटी उम्र में एक ऐसे शख्स से शादी कर दी जो नशेई था। बाद में उस शख्स की डेथ हो गई एक साल के बाद, तब से लेके अब तक ये बेचारी तने तनहा, ना कोई आगे ना कोई पीछे ना कोई पूछने वाला, कोई भी नहीं है इस बेचारी का। आइए इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि ज़िंदगी की मुश्किल का सामना ये कैसे कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइएगा कि माँ बाप को क्या हुआ था, कब डेथ हुई उनकी? मैं छोटी होती थी तो वो फोटो हो गए थे, मुझे नहीं पता, फूफो ने पाला था मुझे। अच्छा, आपको फूफो ने पाला है जी। तो उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई हूँ, बड़ी हो गई थी, फूफो मुझ पर मारती थी, पीटती थी। अच्छा। हाँ जी। घर के काम शाम करवाती थी? घर के काम सब करवाती थी मुझसे, आप बैठी रहती थी मंजी पे तो मुझसे सब काम करवाती थी। सही। बीमार हो जाती थी, बाहर चढ़ जाता था, तब अगर मैं काम ना करूं तो मारती थी, कहती तुम काम नहीं करती है, तेरे माँ बाप मुझे दे गए हैं, आप तो मर गए हैं, मुझे स्यापा डाल गए हैं। अच्छा। तो बहुत मारती थी मुझे, काम भी सब करवाती थी घर के। तो फिर शादी उसने कैसे की आपकी? उसके जानने वाला था कोई। अच्छा। मेरे अम्मी अबू की जायदाद थी, उसने कहा कि जितनी ये यहाँ रहेगी तो इसने मुझे ले लेनी देनी। सही। तो उसने मेरा रिश्ता ढूंढा तो मेरी शादी कर दी उसने। सही। तो जो शोहर था वो निशेही था, मुझे मारता था पीटता था। ठीक है। तो मैं उसे मना करती थी कि तुम नशा ना किया करो, तो वो और मुझे मारता था, घर की चीज़ें बेच देता था। मैं अपने पुप्पो को बताया कि ये तो निशेही है, तुमने मेरी शादी कर दी है इसके साथ। तो उसने कहा कि जैसा भी है तुम्हारा शोहर है, उसके साथ ही तुमने अपनी ज़िंदगी बसर करनी है। तो जब आपकी शादी हुई उस वक्त नहीं आपको पता था कि नशेई है? नहीं, फिर आज जैसे जैसे टाइम गुजरता गया फिर आस्ता आस्ता पता चलता गया, पुप्पो को सब पता था कि ये नशेई है। आपको नहीं पता था? आपको नहीं बताया था? मुझे नहीं बताया। सही हो गया। तो उसकी फिर डेथ कैसे हुई आपके शोहर की? वो नशा ही इतना करने लग पड़ा था तो फिर उसकी डेथ ही होनी थी। वो बाहर गया है नशा लेने के लिए, हफ्ता घर नहीं आया है, तो फिर किसी ने बताया कि वो तो मर गया है, उसकी मौत हो गई। अच्छा जी। तो जब ये आपके शोहर की डेथ हुई तो उस वक्त आपकी बेटी की उम्र कितनी थी? साल की थी। एक साल की थी जी। तो फिर मतलब किस तरह से पाला है आपने इनको, उनके जो घर वाले थे शोहर के, उन्होंने संभाला आपको? नहीं, मैं अपने ससुराल गई थी, उन्होंने कहा कि हमारा बेटा ही मर गया तो तुम हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया। फिर छोटी सी बच्ची थी, जाहिर है बहुत दूध मांगती है, उसका पेट लगा, चलो बड़ा तो बर्दाश्त कर लेगा, छोटी छोटी बच्ची कैसे बर्दाश्त करती है। मेरी एक दोस्त थी, मैंने उससे हेल्प मांगी, उसने मुझे किराए पर मकान ले दिया। तो लोगों के मैं बर्तन धो के तो गुजारा करती हूँ। अच्छा। तो आपने यानी कि जब से शोहर की डेथ हुई है तब से लेके आप लोगों के घरों में काम ही कर रही हैं जी? कितनी मुश्किलों और कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा आपको इस बेटी को पालने के लिए? बहुत मुसीबतें काटी हैं। एक बेटी थी, वो मेरा ही सहारा थी, मैं उसकी सहारा थी। बहुत बर्तन, लोगों के बर्तन भी धोए हैं, बहुत काम किया मैंने। क्या कहूँ आपको, बहुत मुसीबत से मैंने अपनी बेटी का पेट पाला, लोगों के बर्तन धोए हैं, कभी किसी की बातें सुनी हैं, कभी किसी की बातें सुनी हैं, एक बेटी के सहारे मैं जी रही हूँ। Okay.
जब जवान लड़की एक मतलब काम करने निकलती इस तरह लोगों के घरों में, तो फिर लोग भी ज़ाहिर तंग करते होंगे आपको आते जाते। ज़ाहिर है लोगों की तो आदत है बात करनी। अब बेटी का तो पेट मैंने पालना ही था ना, जैसे भी है मैंने लोगों की बातें सुनी हैं बेटी को पालने के लिए। अच्छा, जब आपका शोहर की डेथ हुई है उस वक्त आपकी उम्र भी छोटी थी, बेटी भी एक थी, तो आप दूसरी शादी कर सकती थी, क्यों नहीं की आपने शादी? मैंने इसलिए नहीं की कि बेटी थी छोटी, वो पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं। पहले मियाँ था वो नशा करता था, मारता था, पीटता था, अब शादी कर लेती तो पता नहीं कैसा उसने समझना था, इसलिए कभी इस तरफ जेन ही नहीं गया, बस बेटी वाली था जेन कि बेटी को ही पालना। सही हो गया। तो मुझे बताएं कि क्या काम करती हैं, घर का गुजारा किस तरह से होता है, कितने पैसे कमाती हैं? बहुत मुश्किल से गुजारा होता है, लोगों के बर्तन धोती हूँ, कोई 2000 दे देता है, कोई 2500 दे देता है, ऐसे टाइम गुजर रहा है। कभी खा लेती हूँ, कभी नहीं खाती, बच्ची का पेट पाल देती हूँ, कभी मैं भूखी सो जाती हूँ, कभी नहीं खाती। हमारा आपके दाएं बाएं हमसाए हैं, बहुत बड़ी आबादी है, कभी किसी ने हेल्प नहीं की आगे कि मेरा हमसाया भूखा बैठा है या गरीब फैमिली है या मैं थोड़ी से पैसे दे दूँगा आगे? नहीं, वो कहते हैं हमारा घर का सर्कस बहुत मुश्किल चलता है, तो हम कहाँ से आपको दें, महंगाई इतनी आई हुई है तो आपको हम कहाँ से खिलाएं, हमारा घर का अपना नहीं खर्चा पूरा आता तो आपको कहाँ से दें। हमारे घर मेरे किराए का 2 महीने का किराया हो गया, वो भी नहीं मुझसे दिया जा रहा, मालूम का रोज़ आता मेरे घर बोल के जाता है। कभी उसने कोई गलत बात तो नहीं की आपसे? नहीं, गलत बात कोई नहीं की है, बस किराया ही मांगता है। ठीक है, कि कहता है कि किराया नहीं देना तो मेरा घर खाली करो। सही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी इस बेटी का रिश्ता किया है अभी या करने वाला है? करने वाला कुछ होगा तो मैं करूँगी ना, मेरे पास कुछ है ही नहीं है। ज़ाहिर है वो लड़के वाले कुछ तो मांगेंगे ना, ऐसे तो नहीं ना मेरी बेटी इसको ले जाएंगे। यानी कि आपको अपनी बेटी के लिए जहेज की ज़रूरत है? जी। ठीक हो गया। यानी कि जहेज़ अगर आपके पास हो तो आप अपनी बेटी को अच्छे तरीके से ब्याह सकती हैं? जी, ब्याह सकती हूँ। क्या ख्वाहिश है एक माँ की कि मेरी बेटी के लिए क्या होना चाहिए? अच्छा सा शोहर हो, अच्छा उसका घर हो, मेरे तरह ना इसका हाल हो, जैसे मैं लोगों के बर्तन धोती हूँ, मेरी तरह ये ना रुले, मियाँ इसका अच्छा हो, अपने घर में खुश रहे। सही हो गया। जी नाज़रीन, अभी आपने इस बहन की गुफ्तगू सुनी है। आप समझ सकते हैं कि एक माँ की दिल की ख्वाहिश यही होती है कि मेरी बेटी को कोई अच्छा शोहर मिल जाए जो इसको खुश रखे, इसका ख्याल रखे, कभी कोई दुख तकलीफ ना आए, और इसके अलावा और मज़ीद कुछ नहीं होता। बकाया जितनी भी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो ज़ाहिर वक्त के साथ साथ है और अपने हालात के साथ साथ है। आप सबसे मैं गुजारिश करूँगा कि जो भी मुख़य्यर हज़रात हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, कोई बंदा इनके जहेज़ का इंतज़ाम कर सकता है या आधे जहेज़ का, 2 चीज़ों का, 4 चीज़ों का, जितना भी कर सकता है, इनसे रब्ता कीजिएगा। और इसी के साथ साथ जैसे बता रही हैं कि घरों में काम करती हैं, और घरों में काम करके आपको पता है कितने पैसे बंदा कमा सकता है, 2000-2500 बता रही हैं एक घर का मिलता है, यानी कि 8-10 हज़ार महाना कमाती हैं, तो 8-10 हज़ार में महीने का तो मतलब रेंट ही बड़ी मुश्किल से इनका पूरा होता होगा, तो खाने पीने का खर्चा है और 100 मामलात हैं। तो कोई इस बहन को कोई महीना लगा दे किसी तरीके से, या किसी भी तरीके से इनकी हेल्प कर सके, इनसे रब्ता कीजिएगा। इजाज़त दीजिए रहने के बाद।